प्यारी है कत्ते ने क्या जंगल की ओर चल जंगल में जा रही है, सोच रही है भगवान कहीं कुआं मिल जाए, जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी, मगर उसे मारने वाला मैंने कोई नहीं निहारा जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, देव ऋषि ब्रह्मा पुत्र नारद खड़े, आवाज लगाइए लड़की, बाबा कहां जा रही है तू? जवाब दिया मैं मरने के लिए जा रही हूं। हैं? अरे देखने में तो तू किसी राजा की राजकुमारी है, तेरी शाद की सहेलियां कहां बिछुड़ गई हैं जो तुम मरने के लिए जा रही है? कहने लगी बाबा अगर आप सच्चे साधु हैं तो क्या आप बता नहीं सकते एक अबला अगर अपने जीवन की लीला समाप्त करती है तो क्यों? नारद कहने लगे लड़की तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। क्या प्रश्न है बाबा? तो कहने लगे नारद भक्तों,
एक बच्ची का फोन गिर गया है। जिस बहन को मिला हो, जिस भाई को मिला हो, फोन की कोई कीमत नहीं होती है। चोर लफंगा जुएबाज धनवान नहीं होते, ध्यान रखना। और हाड़ मांस खाने वाले विद्वान नहीं होते। कुसंग की संगत करके यशवान नहीं होते और नशेबाज के दुनिया में सम्मान नहीं होते हैं। अगर किसी को मिला हो तो जरूर दे देना। और ललित तेरे फोन खो गए तो रोइए ना। हम जाए जान लिए तो हजार कम में मेरी भागवत भाई, तो हम तो हजार को सादा फोन तो ले दी, ना वो हम चलाए पाते ना हम तो ले पाए। आसमा मौजूद रहेगा तब तक दुनिया वाले तेरे बच्चे का नाम लेंगे। महात्मा के शब्दों को सुनकर के रानी सुनीत ने नारद जी के दोनों पैर पकड़ लिए। बाबा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। जब भगुआ पाना में दाग लग जाएगा क्या, अब मेरे लला ना हो। नारद कहने लगे क्यों नहीं होगा, तो कहने लगी मेरे इसलिए बालक पैदा नहीं होगा। Yeah।
100% सत्य है। अगर संत ने अपनी आत्मा से जो आवाज निकाल दी वो पूर्ण होगी। इसका एक प्रमाण है मेरे पास। गुरु पूर्णिमा वाले दिन मथुरा में जय गुरुदेव जी के मंदिर पर बहुत भव्य मेला लगता है। लाखों करोड़ों की संख्या में जय गुरुदेव के भक्त वहां जाते हैं। ओ आषाढ़ की गर्मी आप जानते हो कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है। एक श्रीमान जी नंगे पैर पति पत्नी दोनों और छोटा सा बच्चा गोदी में एक पौधा के नीचे बैठे रो रहे। तो मैंने ये समझा कि मैंने इस बच्चे को कोई परेशानी है इसलिए ये लोग रो रहे बैठे। गर्मी बहुत तेज थी, मैं भी खड़ा हो गया। मैंने पूछा, मैंने कि भैया आप रो क्यों रहे हैं, क्या इस बच्चे कोई परेशानी है? कहीं भैया इस बच्चे को कोई परेशानी नहीं। मैंने फिर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भैया दास्तान बहुत लंबा है, आप सुन नहीं पाओगे। हमने कि हमें शाम हो जाए, हम तो दास्तान ही सुनने वाले। उन्होंने बोला कि मेरी पोस्टिंग इस समय लखनऊ है और मैं पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हैं। मैं अपने घर पे आ रहा था और 18 वर्षें हो गईं, मेरे कोई संतान नहीं थी। उसमें एक जय गुरुदेव बाबा बैठे थे, टुपियों पे जय गुरुदेव, पीठियों पे जय गुरुदेव, झंडों पे जय गुरुदेव, हाँ, और टाट पहने थे। तो एक लड़का पहले बोला कि जय गुरुदेव ने जब ते जब भर्ती खोली तब ते बारदाना बहुत महंगो हो गयो यार, हमारे तो आलू और 50 बीघा होते। दूसरों बोलो बात तो सही है, इन बबौमन ने बोरा तेज कर दिया। वो इंजीनियर साहब उपने के बाथरूम में लग गए, उन्होंने वो खाड़ पछाड़ करना शुरू कर दिया। वो गाड़ी कहां आ गई, कोरारा और रुदायन के बीच में। महात्मा का जब दिमाग चाट लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि लल्ला तुम हमें समझदार लग रहे हो, जे तो बच्चा है, तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं तो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है, समय बुलंदशहर के रहने वाले। जो कही बेटा जी लेंदे हो हमें, जो कही तुम्हें मारे को डाते। तो उन्होंने हमसे कहा कि जाओ, तुम जो कह रहे हो कि लगाए ली चिड़ी और इंडिया फ्री, तो ये जगह नोट कर लो, गाड़ी कहां चल रही है। एक लड़का बोला कोरारा रुदायन के बीच में, कहने लगे इंजीनियर साहब इसी जगह पर तुम्हें वो खुशी होगी जिसका ठिकाना नहीं होगा और वो मुसीबत होगी कि तुमको लेने के देने पड़ेंगे। और यही तारीख नोट कर लेना। कहीं जाओ जाओ, भगवान के भैया होते तो नहीं कटोरा ले मांगते। महात्मा टूंडला उतर गए, वो बुलंदशहर चले गए। देखो भगवान की कृपा, 18 वर्ष कोई संतान पैदा नहीं हुई। श्रीमती जी के प्रसव पेट में आ गया। लखनऊ थी, इंजीनियर साहब ने सोचा कि हम सर्विस करेंगे कि इन्हें रखाएंगे, चलो घरे छोड़े परिवार वाले लोग वहां बच्चा और इनकी देखरेख करेंगे। तो श्रीमती जी को लेके छोड़वे के लिए आए और बह गाड़ी, और गाड़ी में इतनी भयंकर भीड़, रिजर्वेशन करवाए ना पाओ, जनरल बोगी मिली, इतनी भीड़ के पैर रखवे की जगह ना,
और श्रीमती जी के बोगी में लला पैदा हुई आओ। ध्यान रखना, सपने में भी नहीं सोचा था कि पुत्र पैदा होगा, लेकिन अब कहां पत्नी को ले जाएं और कहां बच्चे ले जाएं। टूंडला जाके गाड़ी रुकी, पत्नी को उतारा, बच्चे को उतारा, कहीं हॉस्पिटल ले गए। महाराज हम उन प्रभु के दर्शन करने को आए कि आज इतनी भीड़ हो है तो हमें कहीं जरूर मिले। हमने कही लला पता नहीं वे कौन भेष में आते और कौन आते, अब तुम कहां उन्हें ढूंढत। अगर तस्वीर उनकी आंखन में हो तो जीवन भर भाई तस्वीर की पूजा करियो, लेकिन संतों से मत उलझ जाना। तो ध्यान रखना, रानी सुनीत को नारद जी समझा रहे हैं कि लड़की भगवान ने यह कहा है कि मेरा वचन झूठ हो जाएगा मगर मेरे भक्त का वचन कभी झूठ नहीं होगा। रानी को विश्वास आ गया, लौटती टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई घुटनों पर डाल के सोने की कोशिश करती है, मगर रानी को नींद कहां पड़ती है। सोच रही है भगवान कौन दिन होगा जब एक मांस का लोथड़ा मेरी गोदी में किलबिलाएगा, अपने लाला का मुंह धोकर के काजल लगाऊंगी, काजल लगा के काला टीका लगाऊंगी, मेरा लाल गांव के बच्चों के साथ में गली में खेलने जाएगा। अरे वो दिन कौन होगा जब दुनिया वाले हमें पांच की दृष्टि से न देख करके पुत्र बती की दृष्टि से देखेंगे। इसी शो का समाधान में मैया को नींद आ जाती है। सो गई है मां। इधर अयोध्या नरेश अपनी कचहरी में बैठे हैं। अब आज लगाई सिपाहियों सरकार, कल हमें शिकार की जरूरत है, शिकार की, और मैं जिस शिकार का पीछा करूंगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिपाही कहने लगे महाराज शिकार को जिंदा छोड़ दिया तो कायरता है। सबेरा हुआ, बड़े बड़े लड़ाकू जवानों को साथ में लेकर के अयोध्या नरेश अयोध्या से दूर निकल जाते हैं। कितनी दूर? बहुत दूर। क्या देखा